दियोर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। चैत्र मास मेलों के चलते बाबा के दरबार पर लोग मक्खी व मच्छर युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि यूं तो मंदिर प्रशासन अपनी सफाई व्यवस्था और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की प्रति बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। मंदिर प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। मंदिर से लंगर भवन को जाने वाले रास्ते में लगा वाटर कूलर मंदिर प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। इस वाटर कूलर से हजारों श्रद्धालु पानी पीते हैं, मगर मंदिर प्रशासन की अनदेखी के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि बाबा बालकनाथ मंदिर के रास्ते में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे कि हर समय मक्खी मच्छरों से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि पीने के लिए पानी भी स्वच्छ नहीं मिल रहा है। वाटर कूलर के पास भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे कि हर वक्त वहां पर मक्खी मच्छर मंडराते रहते हैं। सर, यहां पे इस कूड़े की वजह से गंदगी के ढेर लगे होते हैं और मक्खियों की भिनभिनाहट, कोई बीमारी फैलने का डर रहता है, क्योंकि साथ में वाटर कूलर लगा हुआ है, आप लोग पानी पीते हैं और बदबू फैलती है।